दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इस समय अगर आप जनवरी के महीने में नर्सरी जाते हैं तो मैं आज आपको बात करूंगी कि नर्सरी से इस समय आप कौन कौन से फूलों वाले पौधे लाएं जो आपके यहाँ लंबे समय तक फ्लावरिंग करेंगे और कौन से प्लांट को जो है इस समय फूलों वाले पौधों को लाना अवॉइड करें। तो मैं आपको 25 से ज़्यादा पौधों के नाम बताऊंगी जिनको अभी नर्सरी से लाना अच्छा है और किसको लाना बिल्कुल अवॉइड करना है, ये सब बताऊंगी। शुरुआत इसी से करती हूं दोस्तों। ये फ्लेम वाइन कहलाती है। इसकी अभी डिमांड बहुत होती है, लोगों के यहाँ आपने खिले हुए दिखेंगे और आप सोचेंगे कि ये जो है कब से प्लांट लगा है। तो ये प्लांट सिर्फ सर्दियों में खिलता है, जैसे जैसे अभी ठंड पड़ती है, संक्रांति का समय आता है तो ये फुल ब्लूम लोगों के, आपने लोगों के घरों की दीवारों पर देखे होंगे, पूरे हजारों की संख्या में ऐसे फ्लावर्स आए रहते हैं। तो ये जो है अभी नर्सरी में मिलती है, इसकी कटिंग के लगाने चक्कर में ना रहें। इस समय इसकी बनी बनाए प्लांट जो है 30 से 50 रुपये की रेंज में मिल जाता है। इस वाइन को लाकर अभी लाएं, उसमें कोई पिंचिंग वगैरह ना करें तो ये जो है आपके यहाँ अभी फ्लावरिंग करेगी। तो पहला प्लांट जो है इस समय सर्दी से ला सकते हैं नर्सरी से, यूनिक प्लांट होता है ये, इसे फ्लेम वाइन या संक्रांति बेल भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, गुलदावरी को तो हमें भूल नहीं सकते। गुलदावरी जो है बहुत समय तक अभी ब्लूमिंग करेंगे और जो है इनके कलेक्शन जो आपके पास जो वैरायटी का नहीं है उसको भी लाने का बहुत अच्छा समय है। तो इसके जो है आप तरह तरह के प्लांट ला सकते हैं, बस लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस पर कलियां बनी हो और फूल बहुत ज्यादा न खिले हों। एक दो फूल कलर देखने के ला सकते हैं, बाकी जो है कलियां बना हुआ प्लांट इस समय इसका भी लाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए, ये है जेरेनियम के। तो जेरेनियम के फूल जो है आप ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं तो जेरेनियम के फ्लावर्स को भी आप ला सकते हैं, प्लांट को भी तरह तरह के कलर इसके भी मिलने लग गए हैं। ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड के प्लांट दोस्तों, जैसे हमारे गेंदे तो बहुत लंबे समय से सितंबर से खिलने लग जाते हैं तो इसके प्लांट जो होते हैं नवंबर से खिलते हैं और अप्रैल तक चलते हैं। तो इसके फ्लावर्स को भी ला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो इसके साथ साथ गेंदा तो हमारे चलते ही रहेंगे, तो गेंदे के प्लांट भी नर्सरी में बहुत अच्छी वेरायटी मिलते हैं, सस्ते, बहुत सस्ता प्लांट सबसे सर्दियों का यही मिलता है, तो इसको भी हम अभी भी ला सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो साल्विया के प्लांट भी आप लगा दीजिए। एक बार इसका फूल खिलता है, बहुत समय तक बना रहता है। देखिए मेरे किस तरह से इसमें पॉट में लगी हुई प्लांट है और बहुत कम केयर में चलने वाला, लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। ये देखिए पूरा फूलों से भरा पड़ा हुआ है। ये है डॉग फ्लावर, इसमें भी बहुत सारी वेरायटी मिलती है, शॉर्ट वेरायटी बहुत सुंदर लगती है। नर्सरी में ये प्लांट भी सस्ता ही मिलता है, इसको भी इस समय लाया जा सकता है अभी। ये देखिए ऑर्नामेंटल कैबेज, ये फूल तो नहीं खिलते पर फूलों से कम नहीं होते हैं। दो कलर इसमें नर्सरी में आपको मिलेंगे और बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए के दो के हिसाब से मिल जाते हैं, 20-20 रुपए का भी मिलता है। कहीं कहीं जगहों पर मैंने देखा बहुत महंगे भी मिलते हैं, तो सिटी बाय सिटी क्वेरीज करेगा, पर यहाँ हमारे यहाँ जो है बहुत महंगे नहीं मिलते और काफी सुंदर। एक पॉट में एक प्लांट लगा दीजिए और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब है दोस्तों हमारे परमानेंट प्लांट पोइनसेटिया का प्लांट, जो है सर्दियों में ही ब्लूमिंग करता है। इसके फूल भी देखते ही बनते हैं, पिंक कलर, व्हाइट कलर और जो है येलो कलर में, रेड कलर भी मिलता है इसमें। और ये देसी पोइनसेटिया हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत अप्रैल लास्ट तक ही ब्लूमिंग करते रहते हैं और इसी तरह से इसके फूल सुंदर। एक बार खिलने के बाद इसके फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, यही फूल जो है परमानेंट इन पर बने रहेंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो अभी खिलेंगे, तो ये देखिए ब्राजीलियम ब्लूम कहते हैं इनको। ये भी जो है इसी समय खिलते हैं नर्सरी में, ये रेड, व्हाइट, येलो तीन कलर में मिलेंगे, मेरे पास येलो कलर है। दोस्तों अपने छोटे छोटे प्लांटर में लगाने के लिए कोई प्लांट लाना चाहते हैं तो इम्पेशन के प्लांट खूब लाइए। इम्पेशन तरह तरह के कलर में मिला नर्सरी में और कम धूप वाले एरिया में भी ये प्लांट चल जाता है, बिल्कुल बेल्ट एंड सॉइल बनानी पड़ती है। तो इम्पेशन के प्लांट भी अभी हम नर्सरी से लाएंगे तो अच्छे रिजल्ट रहते हैं। दोस्तों ये प्लांट जो है हमारे जो है गार्डन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ जो है हमारे खाने के काम भी आता है, तो इसे कहते हैं सलाद पत्ता। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसके जो है कुछ प्लांट दो कलर में मिलता है, ये व्हाइट, ये मेरे पास घर में ही ग्रो हुआ था मेरा, तो ये ग्रीन कलर है, और एक और आता है इसके अंदर, उसका कलर जो है बिल्कुल रेडिस्ट ऐसा कलर होता है, बहुत सुंदर। दो तीन प्लांट लगा दो, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये गार्नेशन है, गार्नेशन को भी देखिए दोस्तों, इसका फ्लावर जो है डेंथस जैसा ही होता है, तो मल्टीपल ब्रांच उसमें फ्लावर पेटल्स होते हैं, इसलिए ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो गार्नेशन का प्लांट जो है गर्मी में तक भी चल जाता है हमारे पास। इसी तरह से दोस्तों बिगोनिया के प्लांट भी जो है नर्सरी में तरह तरह के मिल रहे हैं। इस समय बिगोनिया की जो है बहुत अच्छी वेरायटी मिलती है, ये सिल्वर बिगोनिया है, ये कॉपर बिगोनिया है। तो बिगोनिया की कोई प्लांट लाएंगे अभी मरेंगे नहीं, इनको इस समय लेकर खूब अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत सुंदर लगते हैं गार्डन लगे हुए। जिस तरह से गार्नेशन होता है उसी तरह डेंथस भी होता है। डेंथस भी जो सिंगल पेटल होते हैं, ये भी इस समय नर्सरी से ला सकते हैं।
इसके अलावा खूबसूरत सेकुलेंट को जरूर लाना चाहिए। इस समय सेकुलेंट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। ये सेकुलेंट दोस्तों ऐसे होते हैं, कुछ तो हमारे अगर सही तरह से केयर करते हैं पूरी साल चल जाते हैं, कुछ हमारी कुछ गलतियों के कारण जो है खत्म भी हो जाते हैं। तो सेकुलेंट को भी इस समय नर्सरी से बिल्कुल लाना नहीं भूलना चाहिए। सर्दियों का विशेष प्लांट दोस्तों पिटोनिया तो हर को ही लाता है, तो पिटोनिया को लाकर बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए, इनको छोटे छोटे पॉट में लगाना चाहिए और इन पर नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, लीफ माइनर का अटैक होता है इसके, मतलब पत्तों पर जो है देखिए इस तरह से पत्तों पर आ जाते हैं, तो इन पत्तों को पिंच करके हटाएं और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो आपके प्लांट घने भी होंगे और जो है इनमें जितने भी फ्लावर खत्म हो जाते हैं उनको डेड हेडिंग करके हटाते रहना चाहिए। तो ये प्लांट भी इस समय नर्सरी में बहुत तरह तरह कलर मिलते हैं, जो कलर आपको पसंद है वो ला सकते हैं। अभी पेंजी में वैसे तो हालांकि बहुत सारे कलर मिलते हैं जिसमें कि येलो कलर में इस तरह का तितली फ्लावर जो है बहुत ही सुंदर लगता है, तो पेंजी को भी अभी नर्सरी से सस्ते सस्ते मिलने लग गए हैं, छोटे छोटे पॉट में लगाने के लिए ला सकते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं मंकी प्लांट, मंकी फ्लावर या मैमुलस, ये भी देखिए दो कलर में मिलता है, ये भी नर्सरी में सस्ता ही प्लांट है, इसको भी इस समय बाय किया जा सकता है। दोस्तों ये है साल भर खिलने वाला प्लांट जो है हमारा लॉलीपॉप फ्लावर, इसके फूल जो है इस समय ठंड है तो अच्छे रेड कलर खूब निखर कर आ रहे हैं, तो इनको भी अगर मिल जाए तो हम ला सकते हैं ये समय। डहेलिया, डहेलिया को लाने का परफेक्ट समय है, तो डहेलिया के प्लांट भी नर्सरी से लाइए। ये तो थोड़े से महंगे मिल रहे हैं हमारे यहाँ तो अभी, पर मेरे तो खुद के बनाए हुए तैयार किए हुए प्लांट हैं, तो डहेलिया के प्लांट को लाकर जो है एक से अनेक जो साइड से ब्रांच निकलती है उन्हीं को पिंच करके आप जो है नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दिन में सांझ के समय इसके फ्लावर जो है जब तक धूप नहीं आएगी तो पूरा फूल नहीं खिला हुआ है। कैलेंडुला के प्लांट जो है बहुत सुंदर लगते हैं सर्दियों के लिए, तो कैलेंडुला के प्लांट को भी इस समय हम नर्सरी से ला सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं इनके, ये देखिए छोटे छोटे फूल वाले और इस तरह की कॉमन खिलने वाले यूफोरिया मिली, तो ये जो है बिल्कुल फूलों से इस समय इसके फूल बहुत लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं, बहुत ही कम 5 से 6 दिन में एक बार पानी दीजिए और कोई ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए, तो यूफोरिया मिली के प्लांट को भी अभी ला सकते हैं। ये सीजन जो आ रहा है दोस्तों ये जरबेरा को बहुत पसंद होता है, जरबेरा के प्लांट नर्सरी में अच्छी अच्छी वैरायटी के बहुत सुंदर, इसका प्लांट 80 से 120 की रेंज में मिलते हैं, कभी कहीं 150 भी बोल देते हैं, तो जैसे भी आपके यहाँ नर्सरी में रेट है उस हिसाब से आप इनके प्लांट को भी अगर मिलते हैं आपके पास नहीं है तो ला सकते हैं, जो कलर नहीं है वो ला सकते हैं, और ये प्लांट इस समय सर्दियों में जरूर लाना चाहिए, बहुत सुंदर प्लांट होता है जरबेरा। दोस्तों इसमें अभी फूल तो नहीं खिला है, ये है सिनेरिया, तो सिनेरिया का जो प्लांट होता है जहाँ पर धूप नहीं आती उन लोगों के लगाने, एक बार खिल गया तो एक महीने से पहले इसका प्लांट में से फ्लावर खत्म नहीं होते हैं, तो सिनेरिया के प्लांट जो है बहुत सुंदर गुच्छों में पूरा एक सा बुके की तरह खिलेगा, तो सिनेरिया को भी अभी हम ला सकते हैं। दोस्तों फ्लॉक्स वगैरह की नर्सरी में इसमें सैपलिंग मिलती है, तो फ्लॉक्स की सैपलिंग भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा अभी सर्दियों के लिए दोस्तों ये देखिए इसको कहते हैं आइस प्लांट, इसकी भी बहुत सुंदर कुछ दिनों फुलावरिंग होने वाली है, तो आइस प्लांट भी अगर आपको मिले तो इस समय आप ला सकते हैं। दोस्तों बहुत सुबह का समय है और धूप नहीं आई है, ये गजेनिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, पर धूप वाले एरिया में ही जिनके यहाँ धूप आती उन्हीं लोगों को इस प्लांट को लाना चाहिए, इस प्लांट को धूप में ही ढेरों फूल मिलते हैं और ये इतना डिवाइड होता है कि छोटे छोटे प्लांटर में और जो जिनकी गहराई बहुत नहीं होती उन पॉट्स में लगाने के लिए अच्छा प्लांट है। इसी तरह से दोस्तों 15 जनवरी के बाद से जो है हमारे यहाँ नेस्टेरियम वगैरह भी ब्लूम होने लग जाते हैं, तो नेस्टेरियम के प्लांट अब जो है बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, नेस्टेरियम के प्लांट को बिल्कुल बहुत लो केयर में लगने वाला प्लांट है, इसको भी ला सकते हैं। इसी तरह से देखिए दोस्तों हॉली हॉक, इसके तो पत्ते जो है हाथ से ही बड़े हैं, तो ये तो मेरा जमीन में लगा हुआ प्लांट है, हॉली हॉक की इस समय नर्सरी में सैपलिंग मिलती है, बने बनाए प्लांट मिलते हैं, तो 20 से 30 रुपए की रेंज में इसका प्लांट मिलता है, इसमें एक बार में जो है इस प्लांट के ऊपर फूल खिलते हैं तो गिनते गिनते थक जाएंगे इतने खिलते हैं, हॉली हॉक के प्लांट को भी जरूर नर्सरी से लाना चाहिए। दोस्तों रोज की प्लांट नर्सरी में अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो नोट्स रोज जो है इस समय सर्दियों का इसको ये ठंड बहुत पसंद होती है, तो ये ठंड में जो है बहुत अच्छे ब्लूम करेंगे, रोज के प्लांट को अभी लाने में कोई टेंशन नहीं है, चाहे आप हाइब्रिड रोज लाएं चाहे देसी रोज लाएं कोई भी रोज का प्लांट इस समय ला सकते हैं। ये हैं गिलार्डिया, ये पूरी साल ब्लूम करते हैं, अगर नर्सरी में अभी तो वैसे से कम प्लांट मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो आपके पास जो है अगर आप पहाड़ों में नहीं रहते मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो ये आपके यहाँ चल जाएंगे। गिलोरडिया जो है कम केयर में ढेरों फूल देने वाले प्लांट है, तो इनको भी लगा सकते हैं। अभी भी आपको नर्सरी जाते हैं तो एनुअल क्राइसेंथेम की भी सैपलिंग या छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं कई जगहों पर, और सरकारी नर्सरी में तो इनके प्लांट बहुत सस्ते मिलते हैं, तो एनुअल क्राइसेंथेम को अभी लाएं, ये तो हमारे फरवरी मार्च में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिलोसिया वगैरह के प्लांट को भी अभी हम ला सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको ढेर सारे प्लांट के नाम बता दिए जिनको आप नर्सरी से लाएं। अब मैं बताती हूँ कौन से प्लांट को अवॉइड करना है लाने से। चंपा है, मोंगरा है, चांदनी है, और इसके अलावा अडेनियम है और हाइब्रिड बिंका है। इन प्लांट को अभी नर्सरी में ना लाएं, क्योंकि बिंका के प्लांट नर्सरी में बहुत मिल रहे हैं और हम देख के ले आते हैं, पर इस समय इनको नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी ठंड में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।